हेलो फ्रेंड आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है आज हम जो अभ्यास संख्या लाए हैं वो तीस है यानी आज हम प्रैक्टिस पेपर तीन को लगाएंगे हम इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं आज हमने तीसरा प्रैक्टिस सेट लिया है अगर इस प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो सामान्य अध्ययन से है आपका यानी जी वाला पार्ट है इसमें जो पर्ट फर्स्ट पेपर है सबके लिए कंपलसरी उसका प्रैक्टिस सेट है इसके बाद हम लाएंगे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट वो इसके बाहर लाया जाएगा तो आज हम क्या लाए हैं केवल फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट लाएँ फर्स्ट पेपर का यानी टॉप पचास क्वेश्चनों को अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या करें केवल और केवल ध्यान से सुने तथा जो आपको ये पी है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की अगर हम लिंक की बात करें तो वो आपके डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी तो आपको कहीं भी परेशान नहीं होना केवल और केवल अपना स्कोर इस, इस कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितना हुआ या कितना सही जा रहा है या क्वेश्चन का जो लेवल रखा गया है वो आपको कैसा लगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है उसमें रीजनिंग भी आएगी आपका और आपका जीएस भी आएगा जीके भी आएगा और आपके इतिहास भूगोल यानी इन सब का भी पार्ट आएगा तो आपको करना क्या है कि वो पचास क्वेश्चन में क्या होगा वो तो सबके लिए कंपलसरी है वहाँ से एक तो मेरिट प्रभावित होगी दूसरा आपके सब्जेक्ट से सब्जेक्ट में हर कोई मास्टर होता है अपनी सब्जेक्ट में मगर हर किसी का पहला वाला पार्ट मजबूत तो ऐसा नहीं हो सकता तो जो जी वाला पार्ट है यानी सामान्य ज्ञान वाला जो पार्ट है वो हर किसी का मजबूत नहीं हो सकता तो हमें क्या करना है कि औरों से अलग होना है यानी औरों से अपनी कट ऑफ को अधिक करना है तो हमें फर्स्ट पेपर पर भी मेहमान मेहनत करनी पड़ेगी यानी फर्स्ट पेपर को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर और देख लेते हैं क्या है इसमें क्वेश्चनों का लेवल आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको कैसा लगता है ये वाला लेवल और ध्यान रखा गया है कि पेपर आपके सुपर टेट यानी एस टेट के लेवल का ही रखा जाए देखिए इसमें है, इस है सामान्य ज्ञान समय की घटनाएं और तार्किक ज्ञान पहला क्वेश्चन देखिए इसमें आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए किस संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है अगर बात करें कि किसको प्रदान किया गया है तो इसमें राइट आंसर बाद में देखेंगे पहले इसके ऑप्शनों को देख लेते हैं इसमें पहला ऑप्शन है आप देखिए टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान दूसरा स्टेवल स्टेनव इन्वामेंट एंड एक, आपका इकोलॉजिकल डेवलपमेंट जिसे सीड्स बोलते हैं दूसरा है हुमन कंपावमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तीसरा है आपका पीपल इन नीड है तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो हमें बताना है और उसी आंसर को देखेंगे हम तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें राइट आंसर कौन सा है चलिए हम देख लेते हैं इसमें राइट आंसर कौन सा है तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसमें राइट आंसर रहेगा हमारा पी यानी जो सीड्स है उसको ही क्या मिला है आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है नेक्स्ट चलते हैं हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी आई है दो हजार इक्कीस की हैनले पासपोर्ट इंडेक्स दो हजार इक्कीस की रिपोर्ट हाल ही में क्या हुई है जारी की गई थी इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों में से कौन सा कथन सत्य है अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो ये इसे पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष तीन स्थानों पर एशियाई देश रहे ये बिल्कुल सत्य कथन है दूसरा खतन देखिए रिपोर्ट में भारत के पचासवें स्थान पर था ये भी खतन, सही खतन है चौथा देखिए रिपोर्ट में जापान पहले और अफग़ानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा ये भी सही खतन है तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बनेगा तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी यानी सभी खतन सत्य है नेस्ट चलते हैं ने सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा दस प्रतिशत से बढ़ोतरी की इस बढ़ोतरी के बाद विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी को चुनावी खर्च की सीमा तय की गई यानी जब सरकार ने बढ़ोतरी कर दी तो उस समय क्या हुआ कितनी सीमा मतलब तय हो गई जब बढ़ोतरी के बाद तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा तीस पॉइंट आपका एट जीरो लाख रुपये इतने तक खर्च कर सकता आपका प्रत्याशी मुक्त आकाश संधि यानी ओपन स्काई ट्रे, ट्रे ट्रेडिंग का हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा है इस संधि के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे भी सत्य कथनों को बताना है तो यो अगर हम देखें यहाँ पे क्या है पहला कथन यह संधि अमेरिका और रूस सहित पैंतीस देशों के बीच हवाई निगरानी से संबंधित है बिल्कुल सही है ये क्या करती है ऊपर से हवाई निगरानी करेगी रूस और अमेरिका इस संधि में अलग हो गए ये भी सही है इस संधि में नाटो के के सदस्य देश भी शामिल हैं ये भी सही है तो यानी जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा डी यानी एक दो तीन सभी सही है नेक्स्ट चलते हैं जनवरी दो हजार में आयोजित सत्रहवें स्कोच चैलेंजर अवॉर्ड के के किस संगठन को ई गवर्नेंस से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त हुआ है तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त हुआ है तो वो हमारा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यहाँ पे रहेगा जनजातीय मामलों का मंत्रालय यानि इसी को ई गवर्नमेंट का अवार्ड प्राप्त हुआ है जनजातीय मामलों का मंत्रालय सोशल इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं तो इसमें कौन सम्मानित किया गया है सोशल इंटरनल इसमें यानी सोशल इंटरप्रेन्योरशिप में इन, अगर इसकी बात करें तो इसमें ऑप्शनों को देख लेते हैं आपका है अशरफ अ पटेल पृथ्वी सहाय राकेश जी सरण और आपका निकुंज बिहारी तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे आपका अशरफ पटेल नेश चलते हैं मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है तो जो मध्य प्रदेश के शहर हैं उनमें से किन शहरों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है अगर हम शहरों की बात करें तो इसमें दे रखा है ग्वालियर ग्वालियर ओरछा खजुराव तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी यानी ग्वालियर और ओरछा को क्या करा गया है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है नेशनल चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की बात करें तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं एक दिसंबर दो दिसंबर पाँच दिसंबर और आपका तीन दिसंबर तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तीन दिसंबर इसी दिन हम क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाते हैं प्रधान अगर बात की जाएगी यहाँ पे अगर देखें दिव्यांगों की बात हुई है तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो दिव्यांग है उनका सिंबल्स क्या है तो आपको याद रखना है कि उनका सिंबल से इस तरह से बैठा हुआ इंसान है व्हील चेयर पर तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माल डोबाई के लिए विशेष रेल मार्ग न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है इस रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न कथन है तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन की लेबल हमें टफ करनी है तो इसी तरह के एग्जाम में रखे जाएंगे क्योंकि तो निम्न कथन है पहचानना करना काम होता है देश में दो आपका डेंडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी गलियारे तैयार किए गए हैं न्यू भावपुर न्यू खुर्जा एंड ई का हिस्सा है आप देख नहीं पा रहे हैं और तीसरा ऑप्शन है इसमें डब्ल्यू डी एफ सी कॉरिडोर में गुजरात के बुदरा कांडला पी, पी पावा दाहेज और अजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीदर मार्ग होंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान उल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया क्योंकि इसमें जो जी एस आएगी वो आपकी पुरानी आएगी क्योंकि आपको आपका पेपर कितनी तारीख को होना था पंद्रह आपका पेपर अठारह अप्रैल को होना था पंद्रह अप्रैल को चुनाव के कारण क्या हुआ पेपर आपका स्थगित हो गया तो जितनी भी करेंट आएगी वो क्या आएगी आपकी पिछली आएगी तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा बह देख लेते हैं क्या ऑप्शन है पहला पहला है बहरीन दूसरा है मिस्र तीसरा है कतर और चौथा हमारा सऊदी अरब तो कहाँ पे शुरू कहाँ पे हाल ही में निधन हुआ है वो कहाँ के थे वो थे बहरीन के थे हैं गौतम बुद्ध ने अपने धर्मचक्र धर्मचक्र आपका धर्म परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था कपिल वस्तु में लुम्बिनी में बौद्धगया में या सारनाथ में तो जो वो थे गौतम बुद्ध उन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था तो वो दिया था धर्मचक्र परिवर्तन वाला सारनाथ में खगोल विद बारा मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे यानी खगोल विद आपके बारा महिर और कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे तो आपको याद रखना है कि वो दरबार था विक्रमा आदित्य का नेक्स्ट चलते हैं लोहा और रक्त की नीति किसने अपनाई थी लोहा और रक्त की नीति की बात करें तो कौन हो सकता है पहला ऑप्शन है बलवन दूसरा लाउद्दीन खिजली तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है बाबर तो आप क्या करें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को का आंसर कौन सा होगा तो इसमें भक्ति आंदोलन को भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है जो भक्ति आंदोलन है उसे भारत में लाने का अगर श्रेय की बात की जाए तो वो किसको जाएगा ये पूछा रा जा रहा है रामानुज को माधवाचार्य को रामानंद को रामादास को तो अगर बात की जाए इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा सी या रामानंद को प्रसिद्ध बिरु विरुपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है हम्पी में भद्राचलम में श्री काला हस्ती में और तिरुपति में अगर बात की जाए कहाँ अवस्थित है तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए यानी हम्पी में है ये मंदिर न चलते हैं भारत में काजू का प्रथम जो काजू है उसका प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था तो अगर बात की जाए कि काजू को कौन लेकर आया था तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा डच ब्रिटिश फ्रांसीसी और पुर्तगाली तो पुर्तगालियों ने ही क्या कराया था काजू का परिचय कराया था भारतीयों से हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम अठारह जिसे अधिनियम आपका अब पंद्रह मतलब अठारह छप्पन भी कहा जाता है छब्बीस जुलाई अठारह सौ छप्पन को लागू हुआ जिसे लॉर्ड किसके समय में हुआ ये बताना हार्डिंग एक्लॉन्ट कैनिंग और मेटकॉल्फ यानी कौन था उस समय जब ये लागू हुआ था तो ये लागू हुआ था हिंदू विवाद नियम तो तब था कैनिंग नेशनल थे हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी तो जो आर्य समाज है अगर उसकी स्थापना की बात की जाए तो वो किसने की थी तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख ही पा रहे हैं इस बार मैं वीडियो को कोई जल्दी नहीं कर रही हूँ आप आराम से स्क्रीन शॉट लेकर भी ऑप्शन देख सकते हैं आगे टाइम तक आर्य समाज की स्थापना किसने की थी तो आपकी जो की है वो उनकी देखते हैं हम पहला ऑप्शन है इसमें राजा राम मोहन राय दूसरा है स्वामी विवेकानंद तीसरा हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती चौथा है हमारा राधा कांत देव तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया असहयोग जो आंदोलन था वो कब वापस ले लिया गया तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए आपको याद होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का सबसे बड़ा कारण था के जो आपकी चौकी थी उसमें आंच लगाने से क्या हुआ था पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था जिस घटना को हम चोरा चोरी कांड की भी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी जो हड़प्पा सभ्यता है अगर उसमें बात करें जगहों की तो कौन से मिली है लोपर मिली है तो लोपर की खुदाई किसने की थी तो आपको बताना है दयाराम साहनी ने हलदेव ने और आपका है एस आर राव ने और आपका है आर एस बिष्ट ने तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज की बात की जाए तो वो किसने की थी वो की थी एस आर राव ने भारत का सबसे बड़ा सफल एकल द्वीप सुंदूर दक्षिण में कौन सा है अगर दक्षिण में बात की जाए एकल द्वीप की तो वो कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है यहाँ पर राइट आंसर देखिए क्या होगा रामेश्वर द्वीप है मिनी काव द्वीप है काट निकोबार द्वीप है और ग्रेट ग्रेट आपका जो ग्रेट निकोबार द्वीप है तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अगर बात की जाए काराकोरम पर्वत श्रृंखला की उसमें सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो टू है अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी भी जाए तो क्या होगा वो आपका टू हो जाएगा वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है यानी वो नदी भारत की तो है मगर वो उपजी भारत से नहीं है यानी निकलती भारत से नहीं है तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा पहला है आपका चिनाब दूसरा है ब्यास तीसरा है रावी और चौथा आपका सतलज तो वो जो आंसर रहेगा वो बताना है आपको तो आप क्या करें कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सतलज खादर और बागर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है जो खादर और बागर मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है ये बताना है काली मिट्टी लाल मिट्टी आपके लेट मिट्टी और आपकी जो मिट्टी रहेगी वो रहेगी जलोद मिट्टी ने चलते हैं निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है यानी हमें भारतीय कृषि को बताना है उसकी मुख्य विशेषता नहीं है तो यह मानसून पर निर्भर है कृषि पर जनसंख्या का दबाव है बिल्कुल सही है वह निर्वाह कृषि है तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा वह है उसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है तो ये क्या है राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा डी इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है यानी कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसे बनाया गया है चेन्नई मुंबई विशाखापट्टनम उपरोक्त में से कोई नहीं कृत्रिम बंदरगाह का मतलब होगा आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल जो बंदरगाह रहेगा वो रहेगा हमारा चेन्नई इसको क्या है बनाया गया है चलते हैं क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और आपको इसकी पी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था तो देख लेते हैं कौन है वो इसमें जो ऑप्शन है नेहरू जी गांधी जी जे पी नारायण एम एन राव तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एम एन राव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने ही से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं तो अगर देखा जाए किसके भाग के रूप में उल्लिखित हैं तो हम देख लेते हैं मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक कर्तव्य और राज्यों तो जिसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा पी राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है अगर उसकी बात की जाए तो इसमें ऑप्शन है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष तो इसमें जो ऑप्शन है वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं जो संसद है उसके अगर खर्च की बात की जाए तो वो किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रपति वित्त आयोग प्रधानमंत्री और आपका है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक तो किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं तो वह हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है तो जो भारत है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ उपलब्ध है ये बताना है लोकसभा में राज्य विधानसभाओं में पंचायती राज निकायों में उपयुक्त सभी स्तरों पर तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आंसर हमारा क्या रहेगा तो वो रहेगा पंचायती राज निकाँ में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है अगर नीति आयोग की बात की जाए और उसके अध्यक्षों की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है कि नीति आयोग क्या है एक संगठन है और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसका जो पधीन होता है प्रधानमंत्री वही इसका अध्यक्ष होता है तो यहाँ पे क्या है प्रधानमंत्री यानी अभी फिलहाल में मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है तो इसका जो हम ऑप्शन देखते हैं वह कृषि उद्योग सहकारिता उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसमें देखते हैं जो ऑप्शन है वो है कृषि ये अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डॉट डॉट के पास है तो जो सिक्कों की ढलाई है उसका एकमात्र जो अधिकार है वो पूछा जा रहा है किसके पास है तो आपको देखना ऑप्शन में क्या क्या है भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार भारत सुरक्षा मुद्रण एवं मीटिंग नियम लिमिटेड तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भारत सरकार 2001-2011 की जनगणना के बीच यानी 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में डॉट डॉट वृद्धि हुई है तो जो दस दस की है, जो वृद्धि हुई है वो हमारी हुई है सत्रह पॉइंट सात जीरो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बीस रहेगा अब जो जनगणना आएगी वो फिर दस साल पीछे आ रही है यानी दस की वृद्धि और क्या करती है ये वृद्धि हुई तो बताती है और नहीं हुई तो भी बताती है दस की जनगणना बोलते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा उसे हम देखते हैं पहले ऑप्शन देखते हैं योजना आयोग वित्त मंत्रालय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन समुद्री जल का औसतन खारापन होता है तो जो समुद्री जल है उसका औसतन ही खारापन होता है ऑप्शन में पूछ रहा है पहला ऑप्शन है दो पॉइंट पाँच परसेंट दूसरा ऑप्शन है तीन परसेंट तीसरा ऑप्शन है तीन पॉइंट फाइव फाइव और चौथा ऑप्शन है आपका फोर जीरो प्लस फोर जीरो परसेंट जो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थ्री पॉइंट पांच परसेंट नेशनल निम्नलिखित में से कौन सा बायोग्रेडिडवल यानी जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है तो आपको यहाँ पे देखना है क्या है कपास जानवरों की हड्डियाँ लकड़ी इन सब में क्या है जैव निम्नीकरण है जबकि एलमूनियम फोइल में क्या है कुछ भी नहीं है जैव निम्नीकरण जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाओ में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है तो जलीय निकाय की बात की जाए उसमें प्रदूषण प्रदान नहीं करता है तो भारी धातु आपका ऑप्शन में है ओजोन है माइक्रो माइक्रोप्लास्टिकस है और कीटनाशक है तो जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ओजोन बी वाला न चलते निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है तो जो पानी की गुणवत्ता है उसमें गिरावट आई है तो देखते हैं हम किसके कारण आई है गंदे पानी की सही से निपट निपटाना ना करना वनों की कटाई जल संसाधनों को गलत वितरण अत्याधिक जनसंख्या तो यहाँ क्या है पानी की गुणवत्ता में कमी आई है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यानी गंदे पानी की पानी का सही से निपटाना ना करना नेक्स्ट चलते हैं पराध्वनिक गति का मापकन किस इकाई में होता है तो आपकी जो इकाई है इसमें मैक है नोट है रिएक्टर है और आपका है हटच तो आपके ये इकाई रहेंगी उन्हें देख लेते हैं हम तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए मैक प्रका प्रकाश के पथ में एक डॉट डॉट वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है तो इसको क्या कहते हैं जब छाया का निर्माण होता है तो वो हमारा इसमें पारदर्शी पार पारभाषी प्रकाशमान और अपारदर्शी तो ये रहता है हमारा राइट आंसर अपारदर्शी निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो धर्मी तत्व नहीं है तो जो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है पहले वो देखना है तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है आपका यूरेनियम रेडियम थोरियम ये सब क्या है रेडियोधर्मी पदार्थ हैं जबकि बात करें कैडमियम तो ये क्या है ये रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है पीतल मिश्रण है पीतल मिश्रण क्या है इसको बताना है तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है तीन तामा तीन जस्ता तीन तामा जस्ता तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहता है वो रहता है जस्ता और तामा ऐसे याद रखिए पिताजी यानी पिताजी से क्या बना पासे बना आपका पीतल तासे बना जस्ता और जी से बना ताजे बना तामा और जी से बना क्या जस्ता इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि पीतल के निर्माण में किसका सहयोग होता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है तो जो है आपका इसमें निकट दर्ष, निकट दृष्टिदोष किडनी में पथरी ब्रेन ट्यूमर और वर्ण बा, वर्ण धता यानी वर्णता होता है आपका कलर ब्लाइडनेस तो इसको हम देखते हैं इसका राइट आंसर है हमारा डी ने चलते हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से आपका रिकेट्स की बीमारी होती है तो अगर बात करें विटामिन किस की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है तो यहाँ पे ऑप्शन तो है, है विटामिन डी विटामिन बी विटामिन ई विटामिन ए तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा विटामिन डी नीचे दी गई सूची में से ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिनमें कुछ उभयनिष्ठ यानी सामान्य हैं बेलन घनाव गोला पैरा आपका पैरामिंड नीचे दिए गए विकल्पों में से में से उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसे एक सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत की जा सके यानी ऊपर जो सूची दी गई है आपको क्या है इसी में ही वो भी वर्गीकृत किए जा सकें एक भाग के रूप में तो सुतुर्भुष वर्ग आपका शंकु और समांतर चतुर्भुज तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शंकु क्योंकि ये भी एक क्या है आपकी डिजाइन है यानि किसी निश्चित कूट भाषा में याद इसे याद देख लीजिएगा अभी इसे समझाया जाएगा कि किस तरह है यानी किसी निश्चित कूट भाषा में यानी किसी को निश्चित कूट भाषा में क्या है इसमें बी आर ए के के ई एस को आपके क्या लिखते हैं आप टी ए जी पी एन एक्स के रूप में लिखा जाता है और आपका दूसरा कोट दे रखी है सी एल यू टी सी एच को आपका आई वी ई जे डब्लू आर के रूप में लिखा जाता है तो शब्द डब्ल्यू एच डबल ई एल एस को किस रूप में लिखा जाएगा तो आपको करना क्या है यहाँ पे केवल और केवल क्या करना है कोई भी एक फॉर्मेट ले लीजिए चाहे आप डब्लू वाला ले लीजिए और चाहे आप कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए तो यहाँ क्या होगा कि वो किस फॉर्म में चल रहा है वो चल रहा हमारा हमारा ऐसे डब्लू को ही ले लेते हैं डब्लू एच ई डबल ई है हमारी और एल apps तो यहाँ पे शुरू के फॉर्मेट क्या चल रही है वो चल रही है इधर के माइनस के हैं और इधर के प्लस के हैं यानी ये प्लस में चल रहे हैं और ये माइनस में चल रहे हैं तो W के बाद आपका पता है क्या आता है वो W से पहले क्या आता है वी तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा V फिर H के बाद H से पहले क्या आता है F फिर यहाँ पे हो जाएगा F आपको क्या करना है कि E से पहले क्या आता है तो यहाँ पे हमें माइनस में चल रहे हैं तो यहाँ माइनस का वन हुआ है यहाँ माइनस का वन है यहाँ माइनस का टू है और यहाँ माइनस का थ्री है तो यहाँ पे ई e, एफ और यहाँ पे हमें थ्री घटाना है तो हम क्या जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा बी यानी बी के बाद सी आपका डी और ए e आ गया तो इस तरह से ये हो गया अब यहाँ चलते हैं हमारा ई एल एक्स तो ई एल एक्स पर हमें क्या करना है प्लस में चलना है तो यहाँ पे हमें क्या करना है प्लस में चलना है तो एस को हम इधर लाएंगे सबसे पहले और ऐस से पहले क्या आता है हमारा टी आता है तो यहाँ पे हम टी को रखेंगे यहाँ प्लस वन हो गया अब यहाँ पे प्लस वन के बाद हम क्या करेंगे प्लस टू करेंगे तो यहाँ पे क्या करना हमें प्लस टू करना है तो एल के बाद क्या होगा एल के बाद एम और एन हो जाएगा एन हमारा यहाँ आ जाएगा एन के बाद हमारा ई है ई के बाद क्या आ जाएगा ई एफ आपको याद ही है एफ जी एच तो यहाँ पे हमारा थ्री हो जाएगा यानी प्लस का थ्री हो जाएगा तो ये बनेगी हमारी सही कैलकुलेशन तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टी वी एन एफ एच बी तो यहाँ पे मिल रहा है हमें टी वी एन एच एन एफ एच बी तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा इसमें डी तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी नेक्स्ट चलते हैं इसमें कहा है उन्नीस जनवरी दो हज़ार अठारह को शुक्रवार था उन्नीस जून दो हज़ार उन्नीस को किस किस दिन पड़ेगा ठीक है तो जब उन्नीस जून दो हज़ार उन्नीस की बात की जाए तो पूछ रहा है किस दिन पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए कि हमें करना क्या है केवल और केवल काउंटिंग करनी है यानी हमें इतने दिन गिनने हैं इतने दिन गिनकर हमें देखने हैं कि किस तरह पड़ेगा तो हमें करना क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जनवरी उन्नीस जनवरी से और लास्ट के दिन तक गिनेंगे और उनमें क्या करेंगे हम भाग दे देंगे सात से दे। अगर हम बात करें उन किसकी उन्नीस जनवरी की तो हमें उन्नीस जनवरी से तीस जन आपके क्या होगा इकतीस जनवरी तक कितने दिन मिले तो वो हमें दिन मिले बारह बारह में हम क्या करेंगे सात से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना बचा पाँच दिन बचा विषम का ठीक है क्योंकि ये संख्या कैसी है विषम है ठीक है पाँच दिन बचे तो ये आ गया जनवरी का प्रोसेस ऐसे ही हम फरवरी का करेंगे तो फरवरी का जनवरी का पाँच हो जाएगा फरवरी का हमारा जीरो हो जाएगा अगर मार्च की बात की जाए तो वहाँ तीन बचेंगे अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की बात की जाए तो वहाँ दो बचेंगे आपको याद लगा दें जो महीना इकतीस का होगा वहाँ तीन शेष बचेगा जो महीना आपका तीस का होगा वहाँ दो शेष बचेंगे इसी क्रम में चलते हुए हम क्या करेंगे कि अब हमें कहाँ तक जाना है उन्नीस जून दो हज़ार उन्नीस तक जाना है इसी तरह गिनते हुए जब हम इतने दिनों गिन लेंगे तो हमारे पास जो दिन विषम दिन बैठेंगे वो बैठेंगे हमारे फोर्टी सेवन और फोर्टी सेवन को हमें क्या करना है सात से डिवाइड करना है तो हमारा शेष बचता है पाँच और पाँच को हमें क्या कर देना है कि उस दिन क्या था शुक्रवार था तो शुक्रवार में क्या करना है हमें प्लस पाँच कर देना है तो शुक्रवार में हमें क्या करना है शुक्रवार में प्लस पाँच कर देना है तो शुक्र के बाद शनिवार शनिवार के बाद रविवार रविवार के बाद सोमवार सोमवार सौम्मा, के बाद मंगल और मंगल के बाद बुध इस तरह हमारे पाँचों दिन हो जाएंगे एक दो तीन चार और ये पाँच तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें बुध नेक्स्ट चलते हैं आई होप आपको रीजनिंग समझ में आ रही होगी आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो मैं कहूँगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए क्योंकि हम केवल और केवल एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो है सुपर टेट और सुपर टेट भी जूनियर लेवल का उसकी आपको रीजनिंग कराई जाएगी केवल वही रीजनिंग कराई जाएगी जो सिलेबस में दी गई है फालतू का इधर उधर का कुछ भी नहीं कराया जाएगा तो अब तक आपने अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ये हमारे जीके के, जी के यानी सामान्य अध्ययन के आपको मैंने पचास क्वेश्चन टॉप पचास क्वेश्चन करा दिए हैं चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से चार कथन और उसके बाद चार निष्कर्ष दिए गए हैं तो इनके बारे में हमें बताना है देखिए सभी कुत्ते बिल्लियां हैं तो सभी कुत्ते तो हमें पहले क्या बनाना है यहाँ पे कुत्ते बनाना है यानी सभी कुत्ते क्या हैं हमारी बिल्लियाँ हैं तो कुत्ते के ऊपर हमारी कैट आ जाएगी फिर है कुछ बिल्लियाँ बाघ हैं तो बिल्लियाँ ये हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कुछ बिल्लियाँ बाघ हैं तो यहाँ कर लेंगे हम किन को बाघों को कुछ बिल्लियाँ क्या हैं ये बाघ हैं अब बाघों के बाद हम क्या करेंगे सभी बाग शेर हैं अगर सभी बाग क्या है शेर हैं तो वो क्या है जाएंगे? आ जाएंगे इसके ऊपर आ जाएंगे यानी सभी बाग शेर हैं ये थोड़ा यहाँ पे नहीं इस तरह आ जाएंगे सभी बाघ यहाँ पर शेर हैं ठीक है कोई शेर अब बात होती है शेर की यानी कोई शेर गधा नहीं है तो यानी कोई भी शेर क्या है गधा नहीं है इस तरह से बता रहा है तो जो गधा वाला पोर्शन है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा क्योंकि कोई भी शेर क्या है गधा नहीं है ये बताना चाह रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे हम गधा को यहाँ रख लेते हैं ये हो गया गधा वाला पोर्शन तो यानी कोई भी को, कोई शेर जो है गधा नहीं है तो हम शेर की तरफ से ही लेंगे गधा को अब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या रखे गए हैं देखिए कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं बिल्कुल सही है कुछ बिल्लियाँ क्या है कुत्ते हैं क्योंकि कुत्ते ही क्या बनी है बिल्लियाँ बनी हैं सभी शेर बाघ हैं ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बाघ क्या है शेर हैं कुछ गधे है। कुछ गधे बाघ हैं जबकि कुछ गधे क्या है बाघ है ही नहीं क्योंकि बाघों का क्या है वो ए, कुछ गधे बाघ हैं ऐसा नहीं है क्योंकि बाघ कहाँ से है बाघों में कौन छुपा हुआ है वो है बाघों में से चलते हैं और देखते हैं क्या आंसर है कुछ गति बाघ हैं ये भी गलत गया कोई बाघ गजा नहीं है ये बिल्कुल सही बात है कोई भी जो बाघ था क्योंकि मैंने क्या रखा था बाघों को बिल्कुल अलग रखा था और बाघों के ऊपर शेर हैं यानी जो बाघ हैं वो शेर तो है पर वो गधे नहीं है याद रखना तो बाघ क्या है शेर तो है पर वो गधे नहीं है कोई बाघ गधा नहीं है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुकरणीय है तो यहाँ पे हमें क्या करना है केवल निष्कर्ष आपका फर्स्ट और सबसे लास्ट का डी वाला अनुसरणीय करता है यानी वही हमारे डायग्राम से मैच करता है और कोई हमारे डायग्राम से मैच नहीं करता तो आई होप आपको रीजनिंग भी सही लगी होगी और पसंद आई होगी रीजनिंग की हम पूरी क्लास लेंगे सुपर टेट के सिलेबस की अगर आपने सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा बात करें इसके पीडीएफ की तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी कहीं पर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज का जो मॉडल पेपर है उसकी स्पीड कैसी लगी तथा उसके ऑप्शनों को तथा क्वेश्चन के लेवल को आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और तथा बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए अब तक के लिए अब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर एंड बाय